हेलो भाई, कैसे हो? आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ सदा ही कुशल मंगल रहे। और नए व्लॉग में आज आपका फिर स्वागत करता हूँ चंद्रशेखर 315 चैनल के माध्यम से। तो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो गाइज, आज की जो हमारी व्लॉग वीडियो है वो एक बहुत रोमांचक वीडियो है, जो कि एक गाँव के ही बंदे, हमारे गाँव का जो बंदा है वो बाहर दिल्ली रहता है और आया था वो जो मिसाल देते हैं ना, कहने लगा आए थे तो नमाज़ पढ़ने के लिए लेकिन रोजे गले पड़ गए। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं वीडियो, आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे क्या घटना हुई गांव में। अरे नहीं, उस पर दुनिया भर की गाड़ी पाड़ी खड़ी है, वहाँ किराए पे मिल जाएगी 10 रुपये। जब बैठना रखवा दिया घर पे। देख सकते हैं गाइज, उनके पिताजी जो कंधे पर चादर धरे हुए हैं और कुछ ग्रामीण हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इधर थ्री व्हीलर है, ये भाई अनिल मुखिया है जिनका थ्री व्हीलर खराब हुआ है, और ये मिस्त्री आ गए हैं यहाँ पे। भाई कहाँ लेके जा रहा है? जैसे कहाँ लेके जा, दुकान तो खोल लूँगा इतने से पंप को। हाँ, इतना थ्री व्हीलर भी खींच खाँच के लिया हुआ के बुढ़ा ने। गिरफ्तारी है क्या? नहीं, मैं पढ़ के था, वो तो अभी आ रहा था। वो सीएनजी का पर सभी ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं। ये हमारे ताऊ रमेश जी है जो हिल्ला छोड़कर यहाँ पर बैठे हुए हैं और मनोरंजन कर रहे हैं अपना। ये भाई नेसी है, ये मिस्त्री के चेल्ले हैं जो आपको सामने चमक रहे हैं। कुल मिलाकर किस्सा क्या हुआ आप गाइज, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा हुआ, अनिल मुखिया जी की जो माता जी है वे काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी और उनका इलाज दिल्ली हो रहा था। उनकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम थी, तो वो ठीक होने के बाद में भाई अनिल के पास गई हुई थी जो उनका भी रहता है, और वो वहाँ पर थ्री व्हीलर चलाता है अनिल मुखिया। तो जब वे उनको आराम लग गया तो अनिल मुखिया उसे अपनी माताजी को छोड़ने के लिए गांव बड़गते में घर पर आए। घर पर जैसे ही आए अनिल मुखिया जी ने सोचा कि भाई थिली वेरा को यहीं धोरो, समर सेविल लग रहा, वहाँ क्या धोते फिरेंगे, दिल्ली तो 150-200 रुपये लग जाते हैं, इसका फ़ायदा उठाओ। ये वो बैट रहेगा जो 3 दिन से इसमें सेल्फ मार रहा है बराबर रात दिन। छोटी बैटरी तो सब फेल हो गई थी, बड़ा इन्वर्टर का बैट रहता रहा, यो पूरा पाड़ रहा है जिसका 3 दिन से ना यहाँ पे ही थ्री व्हीलर धो लिया जाए। तो जैसे ही अनिल मुखिया जी ने थ्री व्हीलर को धोया, धोने के बाद में खड़ा कर दिया, फिर वो दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाया। काफ़ी 3 दिन से ग्रामीण भी परेशान है, भाई अनिल भी परेशान है, और जो इनके पिताजी है ईश्वर मुखिया जी वो काफ़ी परेशान है। वे बेर की बेर ये बोलते हैं कि ना भाई 200 रुपये किराए के दे के जो दिल्ली से अप डाउन गाड़ी चल रही है इको उनमें बैठा देता अपनी माता जी को। अब यहाँ और फजीता हो गया, दुर्गति हो रही है, यहाँ तमाशगिरी ज़्यादा है। लेकिन अनिल मुखिया जी बोल रहे कि भाई पिताजी मैं ऐसे कैसे माता जी को अपने भेज देता गाड़ी में, जो रास्ते में गाड़ी क्या पता कोई गड्ढे में डाल दे या तेज़ी से चलाए, माता जी को दिक्कत बन सकती थी, इसलिए मैं खुद ही थ्री व्हीलर लेकर सहज सहज बहुत प्यार के साथ माता जी को छोड़ने के लिए आया। तो गाइज, ये 3 दिन से थ्री व्हीलर यहाँ पर ख़राब है, बहुत परेशानी हो रही है इस थ्री व्हीलर के साथ। ग्रामीण तमाशगी बने हुए हैं, लोग आनंद ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, लेकिन ग्रामीण सहयोग भी काफ़ी कर रहे हैं अनिल मुखिया का, जिस चीज़ की उन्हें आवश्यकता होती है तुरंत ला कर देते हैं। और भाई मिस्त्री को बुलाया गया है, उन्होंने बताया है कि इसका पंप जाम हो चुका है और ये पंप खोल कर वे दुकान पर ले जा रहे हैं और उसको ठीक कर कर इसमें लगाएंगे गाइज, और फिर ये थ्री व्हीलर चालू हो जाएगा। तो गाइज, 3 दिन से काफ़ी नुकसान अनिल मुखिया जी का हो चुका है यहाँ पर। कभी मोटरसाइकिल के मिस्त्री बुलाते हैं, कभी साइकिल का मिस्त्री आता है, लेकिन किसी से बात नहीं बनी। फिर भाई राजू जो टेरने के रहने वाले हैं, सीएनजी के मिस्त्री है जो गाड़ियाँ ठीक करते हैं, उनको बुलाया है और उन्होंने पंप खोला है, पंप इसका जाम हो रहा था गाइज, और ये थ्री व्हीलर। गाइज, मैं आपको 3 घंटे बाद की वीडियो दिखाऊँगा। ये देखे अनिल मुखिया जी थ्री व्हीलर लेकर पहुँच चुके हैं, ये ठीक हो चुका है अनिल मुखिया जी का थ्री व्हीलर। एक बात तो बताओ भाई, थ्री व्हीलर फिट हो गया? अरे इधर आ जा थ्री व्हीलर। बोतल
या आप गाइज आप देख रहे हैं अनिल मुखिया जी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, और ये दारू की बोतल रख रखी है इन्होंने, ये ग्रामीणों की दावत करने के लिए बोल रहे हैं। भाई नेसी को बोल रहे हैं, भाई वो बोतल उठा लाओ और ग्रामीणों की दावत करेंगे थिली व्हीलर ठीक होने की खुशी में। लेकिन ग्रामीणों ने कह दिया है, खींच खींच कर अनिल अंदर ले जा रहा है, लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं नहीं भाई हम दावत नहीं लेंगे ना हम दारू पीने के, हमारे लिए यही खुशी बहुत है। ग्रामीण बोल रहे हैं कि आपका थिली व्हीलर ठीक हो गया है, और अनिल मानने को तैयार नहीं, खींच खींच कर अंदर ले जा रहे हैं और खुशी से झूम रहे हैं अनिल मुखिया, कहने भाई दावत तो लेनी पड़ेगी, दारू की नहीं लेते तो मिट्टी की ले लो, दिल खुश है अनिल मुखिया जी। और भाई इन्हें अब जब 3 दिन बाद अपने बच्चों के पास जाने का मौका मिल रहा है दिल्ली वापसी, और इसलिए खुशी से झूम रहे हैं। तो गाइज इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, नए व्लॉग में ऐसी रोमांचक वीडियो के साथ सच्ची घटना के साथ आपसे फिर मुलाकात करूँगा। जब तक आप सावधान रहे, सतर्क रहे, जय हिंद दोस्तों।